हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। मेरा नाम है राज, आप देख रहे हो आलम कैट। चैनल पे नए हैं तो आपको कर लेना है सब्सक्राइब। और आज के इस लेक्चर में हम लोग इस मॉडल को बनाने वाले हैं। आप देख सकते हो ये एक 3D मॉडल है, एक सॉलिड मॉडल है। हम लोग सॉलिड मॉडल को ऑटोकैड में कैसे बनाएंगे, तो अब हम लोग उसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड के शीट पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस मॉडल को बनाने वाले हैं। इस 3D मॉडल को आज हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, और इसके क्वेश्चन यहाँ पे दी गई है जो कि एक 2D ड्राइंग है, और हम लोग 2D को 3D में कन्वर्ट करेंगे। इस ड्राइंग का ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, और इस तरफ ये सेक्शन व्यू दिखाया गया है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ड्राइंग को फॉलो करेंगे, और ड्राइंग विल मेक वेरी ईजी। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो डायमीटर दिया गया है 120, और नीचे थिकनेस दी गई है 20, क्योंकि ये पार्ट है। ओके, ये सर्कुलर पार्ट है, डायमीटर 120, और इस तरफ जो थिकनेस है इसकी 20। तो हम लोग इसको सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्कल लेने वाला हूँ। तो चलेंगे ऑटोकैड पे, और जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये मॉडल इस तरह का नज़र आएगा। मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखा देता हूँ, इसका ओरिएंटेशन। तो आप देख सकते हो इस तरह का आपको नज़र आने वाला है जब आप इस मॉडल को कंप्लीट करोगे। तो फ़िलहाल मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से हाइड, और बिल्कुल न्यू से स्टार्ट करते हम लोग। चले जाएंगे हम लोग टॉप व्यू में, और टॉप व्यू से मैं इस ड्राइंग को क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैं सर्कल का यूज़ करूंगा, सी फॉर सर्कल, इंटर, और फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा और चला जाऊंगा डायमीटर पे, और सिंपल वैल्यू डाल दूंगा 120, और इंटर प्रेस करूंगा। इतना हो गया। फिर चलेंगे हम लोग अनदर डायमेंशन पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे चार सर्कुलर होल यहाँ पे किया हुआ है। तो ये जो चार सर्कल है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और जिसकी सेंटर लाइन दी गई है यहाँ पे डायमीटर 90 की, इसी सेंटर से, इसी सर्कल के सेंटर पे हमें, यानी क्वाड्रेंट पे हमें ये सर्कल ड्रॉ करनी है, और डायमीटर 12 का। उसके बाद हम लोग इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एरे कमांड के हेल्प से। तो चलते ऑटोकैड पे, और सर्कल कमांड को मैं रिपीट कर लेता हूँ इंटरप्रेस करके। सेम सेंटर पॉइंट से मैं यहाँ पे डायमीटर पे फिर से क्लिक करूँगा, और वैल्यू डाल दूँगा 90, और इंटरप्रेस करूँगा। उसके बाद मैं फिर से इंटरप्रेस करके अगेन लेने वाला हूँ सर्कल कमांड, और इस क्वाड्रेंट पे क्लिक करके मैं फिर आ जाऊँगा डायमीटर पे क्लिक करने, और वैल्यू यहाँ पे डालूंगा 12, इंटर। इसको मैं एरे कर दूंगा 4 इक्वल पार्ट्स में। एरे AR आपको प्रेस करना है, शॉर्टकट की फॉर एरे कमांड, और इंटर प्रेस करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट दिस सर्कल, अगेन प्रेस इंटर, चूज पोलर ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास पोलर फिगर है। उसके बाद सेंटर पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 पार्ट्स में एरे होता है। यहाँ पे आप जा करके आइटम्स क्वांटिटी को डिक्रीज कर सकते हो 4, और इंटरप्रेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्लोज एरे पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए, ये जो एरे जब होता है तो सारा आपस में जो है वो ज्वाइन रहता है, सेलेक्ट रहता है। तो हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे इसको और प्रेस करेंगे X और इंटर, तो ये आपस में अलग हो जाएगा, अनज्वाइन हो जाएगा। ओके, उसके बाद इस सर्कल का काम हो चुका है। ये हमारा हेल्पिंग सर्कल था, सो थैंक यू फॉर दैट। और हम लोग इसको डिलीट कर देंगे, अब नो नीड लॉन्गर। अब हम लोग करेंगे क्या, आइसोमेट्रिक व्यू पे चले जाएंगे होम आइकन पे क्लिक करके, और यहाँ से मैं लूँगा प्रेस पुल कमांड, और यहाँ पे कर्सर रखूँगा, और नीचे की तरफ मैं इसको प्रेस पुल कर लूँगा 20 थिकनेस पे, और इंटरप्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हो इस तरह का हमें इंटरफेस मिल गया देखने को। उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे पार्ट को बनाने के लिए।
तो ये जो हमारा है ये बन चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस सर्कुलर प्रोफाइल को ड्रॉ करेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो जिसका डायमीटर है 60 और इसकी जो लेंथ दी गई है वो दी गई है 130। तो हम लोग इसको क्रिएट करेंगे इसी सेंटर से। तो चलेंगे ऑटो कैड पे और मैं यहाँ से 2D वायर फ्रेम ले लेता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। और फिर मैं यहाँ पे सर्कल का यूज़ करूँगा, सी फॉर सर्कल, इंटर। आप सिलेंडर का भी यूज़ कर सकते हो। इस सेंटर पॉइंट से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा विच इज़ डायमीटर 60, इंटर। और फिर मैं इसको प्रेस पुल कर दूँगा यहाँ से नीचे की तरफ, कितने डिस्टेंस पे, 130 डिस्टेंस पे, हाइट पे, और इंटर प्रेस कर दूँगा। इतना हो गया। अब हम लोग इसका सॉलिड पैटर्न देख लेते हैं। देखिए इस तरह का आपको नज़र आएगा। और उसके बाद चलते फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अभी आपको ये पार्ट नज़र आने वाला है जो कि यहाँ पे डायमीटर्स का दी गई है 30 और जो इसकी लेंथ दी गई है वो है 50। तो यहीं से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 30 डाय का और इस तरफ हाइट देंगे 50। तो मैं फिर से यहाँ पे कर लेता हूँ 2D वायर फ्रेम फॉर योर क्लैरिनेस। ओके, सो सी फॉर सर्कल, इंटर। और यहाँ से इस सेंटर से हम लोग ड्रॉ करेंगे डायमीटर 30 का, डायमीटर 30 और इंटर प्रेस करेंगे। और फिर से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड लूँगा और इसको मैं सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करके नीचे डाउनवर्ड में मैं दे दूँगा वैल्यू 50, इंटर। इतना हो गया। मैं इसका फिर से सॉलिड पैटर्न देख लेता हूँ। देखिए आपको इस तरह का ये नज़र आएगा। आप यहाँ से फ्री ऑर्बिट करके आप देख सकते हो। ठीक है, इतना पार्ट्स हमारा बन चुका है। ओके, अब हमें बस ये बनाना है, ये जो स्क्वायर शेप है इसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप व्यू में हमें गिवन ये दिया हुआ है, हमें इस तरह का स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर का जो यहाँ पे आप देख सकते हो साइज़ दी गई है 70। तो एक तरफ की दी गई 70 यानी कि स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल होते। तो हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे 70x70 का। उसके बाद हम लोग चारों तरफ फिलेट अप्लाई करेंगे रेडियस 10 का। और फिर यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पे डायमीटर 10 दिया हुआ है। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और बीच में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे डायमीटर 18 का। तो होप चलते हैं, जितना याद रहेगा वो पार्ट्स हम लोग बनाते हैं। तो 70x70 का हम लोग एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ टॉप व्यू पे अगेन और आराम से बनाता हूँ। मैं यहाँ पे REC रेक्टेंगल कमांड के लिए यूज़ करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट देंगे और डायमेंशन पे करेंगे क्लिक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे 70, इंटर, अगेन 70, इंटर। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर हम लोग फिलेट अप्लाई करेंगे। सो F इंटर, शॉर्टकट की फॉर फिलेट, रेडियस पे क्लिक करेंगे और वैल्यू डालेंगे 10 और इंटर प्रेस करेंगे। मैं एक बार में चारों साइड्स को सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो मल्टीपल पे क्लिक करेंगे और पॉलीलाइन पे कर देंगे क्लिक। फिर आपको कहीं पे भी क्लिक कर देना है तो ये एक बार में चारों साइड फिलेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं सी फॉर सर्कल का यूज़ करूँगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेंटर पॉइंट, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं डायमीटर 10 का मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा D और इंटर प्रेस करूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूँगा, कितना, 10 और इंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं इसको गाइस कॉपी कर दूँगा सिंपल। सो इसको सेलेक्ट करूँगा मैं और टाइप करूँगा CO फॉर कॉपी, इंटर प्रेस करूँगा। और मैं यहाँ से इसको पिक करूँगा और इस सेंटर पे क्लिक कर दूंगा। फिर इस सेंटर पॉइंट पे मैं क्लिक कर दूंगा, इस सेंटर पे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हमें एक और सर्कल चाहिए इस स्क्वायर के बीच में।
फिर से मैं सर्कल कमांड को रिपीट करूंगा यहाँ पे सी फॉर सर्कल, और यहाँ पे आपको मिड पॉइंट इसका शो होगा। यहाँ से क्लिक करेंगे डायमीटर में और वैल्यू डाल देंगे सिंपल 18, इंटर। बस चले जाएंगे होम आइकन पे, क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग सिंपल करेंगे क्या, इसको भी हम लोग प्रेस पुल कर लेंगे। तो प्रेस पुल करेंगे यहाँ से, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर्सर को रखूँगा और नीचे की तरफ इसको प्रेस पुल कर लेंगे हम लोग 20 थिकनेस पे, और इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया गाइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अब हम लोग इसकी ओरिएंटेशन को देखेंगे। तो देखिए इस तरह का हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके बाद हमें करना क्या है कि हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद एम फॉर मूव करेंगे, और जूम करके इस सेंटर पॉइंट यहाँ से पिक करेंगे, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको रोटेट करूँगा इस तरह से, आप देख सकते हो एस्केप की। और यहाँ पे इस सेंटर पे मैं इसको कर दूँगा क्लिक इस तरह से, और यहाँ पे मैं एरो पे यहाँ पे जाकर के पैरेलल ले लेता हूँ, और फिर मैं इसको थोड़ा फ्रीली मूव करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये जो है हमारा बन चुका है। ठीक है, इतना हमारा पार्ट्स असेंबल हो चुका है। अब बचा यहाँ पे एक होल क्रिएट करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे होल क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे डायमीटर है 48 का, और कितने होल तक, मतलब कितने डेप्थ तक किया हुआ है, तो यहाँ से अंदर है 144 तक। तो सबसे पहले हम लोग डायमीटर आपस में यूनियन कर लें, क्योंकि ये सारा जो पार्ट्स सेलेक्ट हो रहा अलग अलग हो रहा है। तो हम लोग टाइप करेंगे UNI शॉर्टकट की फॉर यूनियन, इंटरप्रेस करेंगे और इन सब को अच्छे से सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर इंटरप्रेस करेंगे। ओके, इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करने वाले हैं, तो टाइप करेंगे सी फॉर सर्कल, इंटरप्रेस करेंगे, और इस सेंटर से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। डायमीटर पे क्लिक करेंगे और वैल्यू डालेंगे 45, इंटरप्रेस करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ से प्रेस पुल कमांड का यूज़ करूँगा और यहाँ पे रखूँगा, और इसकी मटेरियल को मैं अंदर की तरफ रिमूव कर दूँगा एट द हाइट ऑफ 144, और इंटरप्रेस करूँगा बिल्कुल। उसके बाद स्किप की, तो आप देख सकते हो ये सारा पार्ट्स आपस में कंबाइन हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू, तो आपका जो है ये मॉडल बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल पे नए हैं तो कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियोस, हमारे चैनल को, और खूब खूब शेयर करें गाइस। इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलते रहेगा। सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।